मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेस करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20000 करोड़ के हैं, तो 14000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे, मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपके आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक परेश शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही तो नहीं। आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते तो इसका हिसाब कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं? हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया ये कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है,
पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं।